अरे ये क्या दिखाता है तलवार, अरे आज का जमाना तलवार का जमाना नहीं है, आज का जमाना रॉकेट लॉन्चर का है, आज का जमाना 30 स्विंग फ्री राइफल का है जो 3 किलोमीटर पर ही मार देता है, आज का जमाना माउजर का है, आज का जमाना डबल BBL गन का है। अरे तू इस तलवार की बात कर रहा है, तू तलवार की बात करेगा तो हम उससे आगे की बात करेंगे। साधु कम है, हिंसक ज्यादा है, साधु कम है, गुंडे ज्यादा हैं, साधु कम हैं, माफिया ज्यादा हैं, साधु कम हैं, नशाखोरी ज्यादा है, साधु कम हैं। इनके दिल में कहीं भी इनके मन में रहम और करम नहीं है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे हिंदू राष्ट्र का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू राष्ट्र का मतलब है छुआछूत, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक धर्म का शासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही जिस तरह से देश में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है, आए दिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई RSS प्रमुख हो या अन्य व्यक्ति हो, वो इस तरह की स्टेटमेंट देते रहता है कि लोग कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करने के लिए विवश हो जाते हैं और इस देश के लोगों को बहुत बड़े स्तर पर जगाने का काम करता है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में करुणाकर भंते जी, जो कि लगातार अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। भंते जी, जिस तरह से अभी मोहन भागवत ने कहा कि जो जाति है वो भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, इस पर क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो नीलम बौद्ध के इस चैनल को शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया है। आज बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और OBC और आदिवासी संवैधानिक अधिकारों को जब से जानने लगे हैं, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागृत हुए हैं, अपनी जिंदगी के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, तब से वो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का और मनुवादी व्यवस्था का पूरी तरह से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इससे RSS ही नहीं, तमाम जो ब्राह्मण समाज के पुजारी और पंडे हैं वो भी घबरा गए हैं। और आज वो अपने अपने तरीके से ऊट पटांग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है बड़ा घुमा फिरा और बड़ा पेचीदा उन्होंने अपना स्टेटमेंट और बयान दिया है। पंडित ने जाति बनाई, उन्होंने ये कहा, उन्हें सीधा साधा ये कहना चाहिए था कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। ब्राह्मणों मुखमासी तो राजन निकृत, चाहे जितने भी ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों द्वारा रचित हैं। ब्राह्मणों चाहे वो तुलसीदास का हो, तुलसीदास भी दुबे ब्राह्मण थे, लेकिन तुलसीदास ने भी अरणकांड के 33वें दोहे में लिखा है कि सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज गाभे संता, पूजे विप्रशील गुणहीना, सूदन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। आज जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट है, आज जो आदिवासी है, वो इन शब्दों को जानकर आहत हो रहा है कि हम लोगों पर हजारों साल से इन ग्रंथों के आधार पर, इन रामायण के आधार पर, गीता के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर और वेदों के आधार पर जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है वो इन वेदों के आधार पर हुआ है। हम जान रहे हैं कि आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं पंडितों ने जाति बनाई, तो पंडितों ने जाति बनाई तो क्या मोहन भागवत उन ग्रंथों में जो बात कही गई है, उन पर्चों को जो उन पन्नों पर जो लिखी गई है, क्या उन्हें फाड़ने के लिए तैयार हैं? 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया, क्या मोहन भागवत जी जिस ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है, ऊंच नीच की बात कही गई है, और एक भागवत जी भी स्वयं ब्राह्मण हैं, जब उन्हें एहसास है तो वो पार्लियामेंट के चौराहे पर आकर मनुस्मृति को जलाएं, पार्लियामेंट के चौराहे पर आकर उन पन्नों को जलाएं जिन ग्रंथों में छुआछूत ऊंच नीच जातिवाद भेदभाव की बात कही गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने घुमा फिरा कर आज आपको बता दें, प्रीतम लोधी उस बात का विरोध कर रहा है, अखिलेश यादव विरोध कर रहा है, स्वयं प्रसाद मौर्य विरोध कर रहा है, दलित समाज विरोध कर रहा है, आदिवासी विरोध कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव विरोध कर रहा है, अचल सिद्धार्थ यादव विरोध कर रहा है। जब इनकी चूलें हिल गई तो अब ये क्या करने लगे कि यादवों की और उन पिछड़े वर्ग को क्षत्रिय वर्ग में जोड़ने के लिए लग गए और क्षत्रिय वर्ग में कह रहे हैं ये सब क्षत्रिय हैं। लेकिन हम कहते हैं हम ऐसी व्यवस्था को जो चार्टर वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, चाहे
वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, ये व्यवस्था इन्होंने बनाई, इसको पूरी तरह से नकार देना चाहिए, जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और ये होना चाहिए कि सारे के सारे लोग भारतीय हैं। लेकिन हम देखते हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र शास्त्री भी उलटपटांग विचार देते हैं कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे ये तो चंद्रबोस हो गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे हिंदू राष्ट्र का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू राष्ट्र का मतलब है छुआछूत, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक धर्म का शासन, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक विचारधारा का शासन। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये देश तुम्हारी बपौती जागीरदारी नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश जैनियों का है, ये देश आदिवासियों का है, ओबीसी का है। तुम अकेले कैसे बना दोगे, कैसे कर दोगे? ये संवैधानिक अधिकार जो दिया है, ये देश जो है किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा चलेगा। लेकिन बंते जी, जिस तरह से ओबीसी समाज के तमाम नेता निकल कर आ रहे हैं और तमाम नेता जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है उनमें जो गलत चीज है उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में अयोध्या के एक संत है परमहंस, वो निकल कर आते, वो साफ साफ ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो या फिर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर ये मेरे सामने मिल जाए और उन्होंने 5 लाख रुपए की तलवार भी मंगाई, तो ऐसे संतों के लिए क्या कहेंगे? अयोध्या का जो संत तलवार दिखाकर जो धमकी दे रहा है जी, वो लफाज है लफाज, वो केवल मीडिया सोशल मीडिया की चर्चाओं में रहना चाहता है, वो एक चीटी भी नहीं मार सकता। उसने राजेंद्र पाल के लिए भी उसने बोला था कि राजेंद्र पाल को 50 लाख रुपए रखता हूँ, वो जो उसका सर कलम करेगा मैं उसे 50 लाख दूंगा। मैंने उसे चैलेंज दिया था कि मैं राजेंद्र पाल को लेकर आता हूँ और तू उसको टच भी कर ले। अरे ये क्या दिखाता है तलवार? अरे आज का जमाना तलवार का जमाना नहीं है, आज का जमाना रॉकेट लॉन्चर का है, आज का जमाना 30 स्विंग फीड राइफल का है जो 3 किलोमीटर पर ही मार देता है, आज का जमाना माउजर का है, आज का जमाना डबल बीबीएल गन का है। अरे तू इस तलवार की बात कर रहा है, तू तलवार की बात करेगा तो हम उससे आगे की बात करेंगे। हमारे सामने तलवार वलवार का, अरे 5 लाख की तलवार तू खरीदता है, अरे तू 10 लाख का टैंक क्यों नहीं खरीदा, 25 लाख की तूने बंदूक क्यों नहीं खरीदी, 10 लाख का तूने माजर क्यों नहीं खरीदा, तब हम जानते। अरे तू तलवार को निकाल रहा है कि इस पे वो जहर लगा है, ये छुप जाएगा। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को तू क्या करेगा, जब राजेंद्र पाल का नहीं कर पाया, ये लोग वो लोग हैं लवास लोग, ये लोग वो हैं जो बकवास करते हैं, झूठे बतौले बनाते हैं, और ये इनकी जमीन खिसक रही है, क्योंकि जो दान दक्षिणा बैकवर्ड देता है, शेड्यूल कास्ट देता है और आदिवासी देता है, ओबीसी देता है, बीसी देता है, उससे ये घबरा गए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक खाते हैं, निठल्ले निकम्मे बैठकर ये अपने जीविकों का पालन करते हैं, इसलिए ये घबरा रहे हैं, कोई तलवार वलवार ये नहीं चलाएंगे। और जी लगता नहीं जिस तरह से साधु संत खुले आम जान से मारने की धमकी देते, तो पुलिस को इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए? अरे ये हिंसक हैं, साधु कम हैं, हिंसक ज्यादा हैं, साधु कम हैं, गुंडे ज्यादा हैं, साधु कम हैं, माफिया ज्यादा हैं, साधु कम हैं, नशाखोरी ज्यादा है, साधु कम हैं, इनके दिल में कहीं भी इनके मन में रहमो करम नहीं है। और ये बात बता दें ये साधु संतों देश को, ये देश के तमाम जो लोग इस वर्ण व्यवस्था को जाति को बनाकर रखना चाहते हैं, हम उनको चैलेंज देते हैं। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है, पुरानी पीढ़ी के लोगों ने तुम्हारा जुल्म सहा, जातिगत आधार पर छुआछूत सही, लेकिन नई पीढ़ी की जो आने वाली नस्ल है वो जुल्म को जड़ से खत्म करेगी, वो लड़ेगी, मरेगी, कटेगी, अपने सिद्धांतों के लिए जीवन कुर्बान करेगी। ये मुगालते में मत रहना कि तुम लोग इस तरह से देश को और इस देश के लोगों को गुलामी में रख सको।